जनाब आज की इफ्तारी में हम लोग आज जो चीज़ें बनाएंगे उनमें होगा राइस, उनमें जो होगा वो गोश्त का एक जो है वो सालन होगा, इसके अलावा पकौड़े होंगे। और ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि ये वाली चीज़ें हम यूज़ करेंगे, और हम गोश्त भी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की बनाएंगे जो कि मिक्स होगा जो काबली पुलाव है उसका और चाइनीज़ राइस का कुछ इम्तिज़ाज होगा, वो हम आपको दिखाएँगे। ये मटर हमने उनमें से उनका जो मटर है वो निकाल दिए हैं और खोशे उनके बाहर हमने फेंक दिए हैं। अभी इस तरफ अगर आप आएँ तो इस तरफ हम दिखाएंगे ये मुहदस, ये प्याज वगैरह छील रहे हैं, साथ में जो मुइज़ हैं वो टमाटर वगैरह काट रहे हैं चावलों के लिए, और ये हमने छोटे पीस किए हैं पकौड़ों के लिए। पकौड़ों में हमने ये जो कच्चा प्याज है वो और पका प्याज और साथ में बाकी अनारदाना और इसमें जो पकौड़ा मिक्स है वो हमने कर दिया है। अब साथ साथ हम इंशाल्लाह आपको मजीद बताते जाएंगे। पानी में इनको धोया है और धोने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए हमने पानी में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो पानी जज़ब कर लें, और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। चावल लेंगे ना आप। उमर जो है ये शिमला मिर्च जो है वो तैयार कर रहे हैं, और ये शिमला मिर्च भी हम जो पुलाव है उसमें डालेंगे। और ये शमीर साहब मज़े से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। मुहदस जो है ये अभी जो प्याज है उसको अभी इन्होंने घी में ये उसको तल रहे हैं और थोड़ा सा सुर्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। आलू हमने काट लिए हैं, और इन आलू जो हैं इनको हम जो है वो साफ़ करने के बाद पुलाव के अंदर डालेंगे, और ये भी पुलाव का हिस्सा होंगे। ये टमाटर भी काट के रखे गए हैं जो पुलाव का हिस्सा बनेंगे, और इसके अलावा ये जो सब्ज़ प्याज है ये भी इसका हिस्सा बनेगा। प्याज हल्का सा सुर्ख करने के बाद उसमें मसाले डालें, और फिर आलू हमने इसमें डालें, थोड़ा सा इनको भूनेंगे, और उसके बाद फिर इनमें हम मटर डालेंगे, और फिर उसके बाद आखिर में जो है वो टमाटर डालेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें हम चावल डाल के पानी में तो उबलने के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम दम पे रखेंगे तो हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। अभी हमने इसमें जो है वो मटर भी डाल दिए हैं। ये लीजिए जी, इसमें हमने अभी बम्बे जो बिरयानी मसाला है वो भी डाल दिया है। जब ये सालन तैयार हो जाएगा तो इसमें हम बाद में आखिर में जो है वो चावल डालेंगे। अच्छा जनाब, ये चावल अब हम डाल दें उबलने के लिए, और उसमें फिर हम जो हमारा सालन होगा वो भी इसमें हम डालेंगे। इसमें शिमला मिर्च डाल दें, आखिर में फिर हम जो हरा प्याज होगा वो भी इसमें डालेंगे। जो बंद गोभी है वो भी हम इसका हिस्सा बना रहे हैं। वो हमने सारे नहीं डाला, बल्कि हमने ये जो पानी था इसका चावलों वाला तो उसमें इसको डाला है। ये जो सालन हमने बनाया था इसको भी हम चावलों के अंदर ही डालेंगे, और चावलों को हम जो है वो उबलने के लिए छोड़ देंगे। डालना पड़ेगा हमारे इस पानी के अंदर। अभी जनाब ये जो प्याज है हरा वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जनाब, अब इसमें थोड़ा सा हम ये जो स्याह मिर्च है वो भी डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें हम जो ज़ीरा है वो भी डालेंगे। ज़ीरा भी हमने डाल दिया इसमें। ये गरम मसाले के बगैर तो चावलों का मज़ा ही नहीं होता, तो अभी हम इसमें ये डालेंगे। टमाटर भी हमने जो काटे हुए थे इसका हिस्सा बना रहे हैं।
इसमें हमने मेवा भी डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिए हैं, सब चीज़ें अभी हो गई हैं। अब इसको हम रखेंगे उबलने के लिए और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जनाब ये हमारी टीम जो है ना एक्सप्लोर पाकिस्तान की, मुबारक भाई और ये समीर खान जो मास्टर हैं खाने पकाने के, इनकी अदम मौजूदगी में मैंने सारा कुछ किया था। देखते हैं आज कैसा बनता है। और ये शायद अनवर पहुँचे हैं और अभी जो है वो चीज़ें अपनी तैयारी के आखिरी मराइल में, हमारी इफ्तारी जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी। ये लोग बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अब सस्ता रहे हैं, हीटर के पास बैठे हुए हैं। अप्रैल का पहला दिन है आज और चूंकि मानसरा में काफ़ी ठंड होती है तो ये हमारा मेहमान जो है ना, ये हमारे एक्सप्लोर पाकिस्तान का सबसे नन्ना जो मेहमान है, हमारा मेंबर है हाशिर समीर, तो इसने मुझे सुबह कहा था जी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने इफ्तारी में, तो इनको भी हमने यहाँ मदऊ किया है। इधर कुछ बोलो ना, जरा बताएं क्या। शायद आप क्या बनाने में लगे हुए हैं? ये चाट। अच्छा आप चाट बना रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह। इसमें क्या क्या डालेंगे आप? ये समोसे दही है और प्याज और थोड़ा खीरे वगैरह। अच्छा ठीक है ठीक। और ये इसमें क्या है आपने जो ये रखा हुआ है? चूरन है? ये चूरन है, चूरन। अच्छा जनाब ये थोड़ी सी जो इसकी भाप वगैरह आ रही है क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा सा लग तो यही रहा कि अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। ये जो जो सब्ज़ मिर्च है वो भी हम इसमें भी डालेंगे ताकि ये भी इसके अंदर पक जाए। समीर ये आपने पकोड़े जो है तैयार कर लिए? बेसन वगैरह उसका तैयार है जी इंशाल्लाह। अच्छा चूंकि टाइम तो है लेकिन ये ज़रा जल्दी तैयार करना पड़ेगा क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं। अच्छा इसके लिए ठीक है ठीक। जनाब ये जो पकोड़े हैं वो तैयार होके हमने नीचे उतार दिए हैं और समीर अभी जो है ना वो बाकी पकोड़े तलने में लगे हुए हैं। चावल भी हमने दम पे रखे हुए हैं और देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कैसे हैं। जनाब ये हमारे चावल जो हैं वो पक के तैयार हो चुके हैं और अब ये खाने के बिल्कुल जो है वो काबिल हैं। थोड़ा इसको हमने खुद ही रखा हुआ था, ज़रा ज़्यादा खुश्क नहीं है तो इसलिए खाने में आसानी होगी। टायरिंग को लगाए, ऐसे का काम करवाए, बेटे सुतर गया कंचा।